बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ महविश की कुकिंग बेकिंग में बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स और इजी वे में बनने वाली कासी फल की सब्ज़ी, जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। चलें कासी फल की सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। कासी फल की सब्ज़ी में जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे, सबसे पहले आप वो नोट कर लें। ये मैंने 1 kg कासी फल लिया है, आप देख सकते हैं इसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। इसे कासी फल भी बोलते हैं, कद्दू भी बोलते हैं और मीठा घिया भी करते हैं। और मैंने इसे स्किन के साथ कट करा है, आप देख सकते हैं। और मीडियम साइज़ प्याज लिए और उसे मैंने स्लाइस में सिंपली कट कर लिया है। 1 tablespoon सॉल्ट ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं सॉल्ट। और 1 tablespoon इसमें रेड चिली, फ्रेश कर्श रेड चिली यूज़ करें। 1 teaspoon इसमें लिया मैंने ज़ीरा और 1/2 cup इसमें लेंगे हम ऑयल। इसमें हम लेंगे 1/2 cup पुदीना लीव्स और 2 हमने लेमन लिए हैं मीडियम साइज़ से, और इसका मैंने ऐसे जूस निकाल लिया है। ये हम कासी फल की सब्ज़ी में ये दोनों इंग्रेडिएंट्स हम लास्ट में ऐड करेंगे। तीली ले ली, सबसे पहले इसमें मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा अब हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर देंगे और ज़ीरे को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। ज़ीरा हल्का सा फ्राई हो गया है, आप देख सकते हैं ज़ीरा फ्राई हो रहा है। जैसे ये फ्राई हो जाएगा बस हम ज़्यादा फ्राई नहीं करना। और अब हम इसमें प्याज ऐड कर देते हैं। ज़ीरा हो गया है, ज़ीरे में से अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। अब हम इसमें प्याज ऐड कर रहे हैं, सारी प्याज ऐड कर देंगे। और अब हम इसे 1/2 turn फ्राई करेंगे। प्याज को हमें गोल्डन फ्राई नहीं करना और मीडियम लो हीट पे हम इसे फ्राई कर रहे हैं। चलें अब ये फ्राई हो जाएगी, फिर बाकी के इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, प्याज अच्छे से 1/2 turn फ्राई हो चुकी है। अब इसी स्टेज पे हम इसमें कासी फल की सब्ज़ी ऐड कर देंगे। ये सब्ज़ी ऐड कर रहे हैं, अब इसके साथ ही हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं और इसमें हम कर्श रेड चिली, जो हमने कर्श की दी थी फ्रेश रेड चिली, अच्छे से मिक्स कर रहे हैं कासी फल को। और इसमें मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1 glass पानी ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। इसमें 1 glass पानी ऐड कर रहे हैं। अब इसे हम मीडियम लो हीट पे हम इसे रख देंगे, कवर करके रख रही हूँ जब तक ये अच्छे से इसका वाटर ड्राई हो जाएगा और कासी फल की सब्ज़ी अच्छे से गल जाएगी। ये देखें फ्रेंड्स, कासी फल की सब्ज़ी के इस स्टेज पे आ गई है और हमने इसे मीडियम लो हीट पे हमने कुक करा था। और अब इसे हम हाई फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए, फिर हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। चलें अब हम इसे कवर करके रख देते हैं, हाई हीट पर हम इसे कुक कर रहे हैं। बस 10 मिनट के बाद कासी फल की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये देखें फ्रेंड्स, कासी फल की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम लास्ट में इसके लेमन जूस ऐड कर रहे हैं। लेमन जूस ऐड कर दिया, अब मैं इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी ताकि लेमन जूस से बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा सब्ज़ी में। ये देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, सिर्फ 20 से 25 मिनट टाइम लगता है इसको, कुकिंग टाइम इसका। और अब ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं लास्ट में इसके पुदीने की जो लीव्स थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इस स्टेज पे फ्लेम ऑफ कर देंगे क्योंकि हमारी जो कासी फल की सब्ज़ी है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चलें अब मैं इसे बस डिश आउट करूँगी कासी फल की सब्ज़ी को। फल की सब्ज़ी को अच्छे से मैंने डिश आउट कर दिया है, आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी इसकी लुक आई है। और ये टेस्ट में भी बहुत ही मज़ेदार सी ये सब्ज़ी लगती है। आप लोग इसे बेसन की रोटी या सिंपल चपाती के साथ इसे सर्व कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगी ये इसके साथ। और ये मैंने बिल्कुल ही 20 से 25 मिनट में ये सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वालेकुम माई यूट्यूब फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी सब्ज़ी की रेसिपी। इंग्रीडियंट्स की हमें ज़रूरत है, आप सबसे पहले नोट कर लें। हमने टिंडे लिए हैं, इसमें 1/2 किलो, 1/2 किलो लौकी, 1/2 किलो तुरई। और मसाले जो हम इसमें ऐड करेंगे वो आप नोट कर लें। 1.5 tablespoon नमक है इसमें और ज़ीरा 1 teaspoon है और रेड चिल्ली है, इसकी पेस्ट बना हुआ है, ये है 1.5 tablespoon और 1 large प्याज है स्लाइस में कटी हुई और 1/2 cup ऑयल है। अब चलते हैं हम इसे तैयार करते हैं। ये देखें हम तेल डाल रहे हैं इसमें 1/2 cup। इसके बाद ज़रा ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पहले ज़ीरा डालेंगे। इसके
उसके बाद हम प्याज डालेंगे, हल रहे ये भी फ्राई होगी। अच्छे से ऑयल में मिक्स कर लें, जब ये हाफ डन हो जाए तो फिर हम इसमें सब्जी ऐड करेंगे और मसाले ऐड करेंगे। और ये देखें हमारी प्याज बिल्कुल गोल्डन हो चुकी है, अब हम इसमें सब्जी ऐड कर रहे हैं और फिर मसाले ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसको लिड करके रख देंगे क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं लगता, सब्जी अपना पानी खुद ही रिड्यूस करेगी। अब देखें हम इसमें मिर्चें डाल रहे हैं और नमक डालेंगे, फिर इसको लीड रख के ढक के रख देंगे। नमक भी डाल देते हैं हम इसमें और पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको हम लीड लगा के रख देते हैं। और प्लीज़ मेरे पानी कितना रिलीज़ करा है, जब ये बिल्कुल ही ड्राई हो जाएगा पानी 10 से 15 मिनट लगेंगे, इसके बाद हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी, फिर हम इसे सर्व करेंगे। देखें फ्रेंड्स हमारी लौकी टिंडे तुरई की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, ऑयल बिल्कुल ऊपर आ चुका है, अब हम इसे सर्व करेंगे। और इसमें जब ये बिल्कुल तैयार हो जाए तो इसमें लेमन जूस, हाफ टी स्पून लेमन जूस इसमें आप ऐड कर दें ताकि अच्छा टेस्ट आए। अब हम इसे सर्व करते हैं। देखें फ्रेंड्स फाइनल लुक, सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और मैंने इसे सर्व करा है मसालेदार बेसन की रोटी के साथ। आप लोग भी इसी के साथ खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। के लिए लाई हूँ महविश की कुकिंग बेकिंग में बहुत ही मज़ेदार सी गवार की फली की रेसिपी, जो बहुत ही इजी वे में और कम मसालों के साथ ये तैयार होगी। चलें हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गवार की फली में जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे, सबसे पहले आप वो नोट कर लें। गवार की फली मैंने लिए इसमें 1 kg और मैंने इसे कट कर लिया है। आप देख सकते हैं इस शेप की ये फलियां होती हैं और मैं इसे थोड़ी सी रोकी हैं ताकि आपको मैं कट करके दिखा दूं। ये साइड इसका कट कर देंगे और ये साइड भी इसका कट कर देंगे और फिर हम इसे स्लाइस में कट करते जाएंगे। आप देख सकते हैं ऐसे हमने ये सारी फलियां कट कर ली। अब चलें हम सारे मसाले इसमें जो ऐड होंगे गवार की फली में वो आप नोट कर लें। इसमें मैंने लिया है 2 tablespoons लहसुन का पेस्ट लिया है, इसमें 2 tablespoons सॉल्ट लिया है, 2 tablespoons रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं, कुटी हुई मिर्चें, नमक और मिर्चें आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं कम या ज़्यादा, ज़ीरा लिया है मैंने इसमें 1 teaspoon, लेमन जूस है इसमें 1 tablespoon, ऑयल है इसमें 1 cup। सबसे पहले एक पतीले में हम ऑयल डालेंगे, ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म होगा इसमें हम ज़ीरा ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ज़ीरा ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा हम इसे चला देंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए ज़ीरा। अब हम इसमें गवार की फली ऐड कर रहे हैं। इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट, नमक, नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और इसमें हम लेमन जूस एंड में डालेंगे जब ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें हम पानी ऐड करेंगे, 1 glass पानी ऐड करेंगे और बाकी ये फलियां खुद अपना पानी रिलीज़ करेंगी और इसे हम कवर करके रख देंगे जब तक ये अच्छे से कुक नहीं हो जाए। और इसे हम मिक्स कर रहे हैं। अब इसमें हमें 1 glass पानी ऐड कर रहे हैं और फिर कर देते हैं इसे हम अच्छी तरह से। अब हम इसे कवर करके रख देंगे 20 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और ये कुक हो जाए। चले मिलते हैं 20 मिनट बाद। ये देखें फ्रेंड्स ग्वार की फली बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है और इसका पानी भी ड्राई हो चुका है। इसको पकने में बिल्कुल 30 मिनट लगे हैं। अब हम इसमें लेमन जूस ऐड कर देते हैं और हम इसे मिक्स करते हैं। लेमन जूस से अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम इसे डिश आउट करते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने गवार की फलियों को अच्छे से डिश आउट कर दिया है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लुक आई है इसकी, और ये टेस्ट में भी बहुत ही मज़ेदार होती है। अगर आपने इस गवार की फली को कभी बनाया नहीं है तो मेरी रेसिपी से इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार सी ये गवार की फली की सब्ज़ी बनेगी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल महविश की कुकिंग बेकिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।